कहते हैं कि जिस देश में बारूद सस्ता मिलने लगे वहां आटा महंगा हो जाता है, और कुछ यही हाल यूक्रेन का भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन में दोनों तरफ से एक अनकंट्रोल्ड वे में हथियार डंप किए गए, आज उसकी वजह से ही यूक्रेन से मिलिट्री लेवल के हथियार ब्लैक वेपन्स मार्केट में पहुंच रहे हैं, और वहां से ये कहां जाएंगे ये हम सबको पता है। अब इसके पीछे करप्शन तो है ही, पर जो दूसरा रीजन है वो चौंकाने वाला है। लड़ाई के समय बहुत सारे हथियार या तो खो जाते हैं या फिर पीछे छूट जाते हैं। अब इस पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स पब्लिश हुए जो ये दावा करते हैं कि कुछ लोकल्स उन हथियारों को चुरा कर इलीगल वे में बेच रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिसेंट खबर 2 अगस्त की है, जब एक यूक्रेनी किसान एक पूरे के पूरे टैंक के साथ पकड़ा गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का तो पता नहीं, पर जो ये ब्लैक मार्केटिंग का खेल चल रहा है, इससे यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एक नया खतरा मंडरा रहा है।